आजकल इलेक्शन का दौर चल रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि पहले लोकसभा चुनाव में 28 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे? क्यों? इस सवाल का जवाब देंगे हम इस वीडियो में। आप देख रहे हैं इलेक्शन की कहानियां, मैं हूं मंजीत ठाकुर। 1951 में जब भारत में पहली बार लोकसभा के चुनाव शुरू हुए तो आम जनता को ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि वे अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं। उनके मन में तो अभी तक यही विचार था कि सरकार कहीं और से, किसी और लोक से आती है। हालांकि इससे पहले भी प्रांतीय सरकारों के लिए चुनाव होते थे, लेकिन ज़्यादातर वोटरों के लिए अपना शासक खुद चुनना कुछ अलग ही तजुर्बा था। उस समय चुनाव आयोग का गठन हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ चुनाव आयोग को भी घर घर जाकर ये प्रचार करना पड़ा कि लोग बाहर निकलें और वोटिंग में हिस्सा लें। इलेक्शन कमीशन ने देश के करीबन 3000 सिनेमा हॉल्स में डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का प्रदर्शन किया, जिसमें यह संदेश होता था कि वोटरों को जाकर वोटिंग में ज़रूर हिस्सेदारी करनी चाहिए। उस समय वोटर बनने की मिनिमम एज थी 21 साल। ये पूरा प्रचार इस आइडिया पर फोकस था कि मतदाताओं को अपनी सरकार चुननी है। 1951-1952 में पहले लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर देश की करीबन 85% जनता पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, इलिटरेट थी। उस समय देश की आबादी थी 40 करोड़ और उसमें से महज 15% लोग ही किसी एक भाषा में लिखना और पढ़ना जानते थे। ऐसे में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों के नाम छापने से ज़्यादातर वोटर कुछ समझ ही नहीं पाते। ऐसे में उस समय चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने एक बड़ा फैसला लिया कि वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक सिंबल यानी चुनाव चिन्ह देंगे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस को 2 बैलों का निशान मिला था। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसके अध्यक्ष कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उस पार्टी को पहले चुनाव में चुनाव चिन्ह मिला था हाथ का, वही हाथ जो आजकल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। उस समय वोटर लिस्ट बनाना और भी मुश्किल काम था और समाज की कुछ प्रथाओं के चलते ये और भी मुश्किल लगने लगा था। चुनाव आयोग ने 6 महीने के लिए कोई 16,500 क्लर्कों की भर्ती की थी, जिन्होंने इलेक्टोरल रोल यानी मतदाता सूची तैयार की। चुनाव आयोग के कर्मचारी जब इस सूची को तैयार करने गांव में जाते थे ताकि वो नाम, उम्र वगैरह दर्ज कर सकें, तो ऐसी बहुत सी महिलाएं थीं जिन्होंने किसी अजनबी को अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। उनमें से बहुत सी महिलाओं को अपना खुद का नाम पता भी नहीं था और वो अपने नाम के बदले फलाने की माँ या ढिमकाने की बीवी या फिर इस या उस गाँव के नाम से जानी जाती थी। जब यह आंकड़ा चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा तो इसकी वजह से 28 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने पड़े थे। भारत में ब्रिटिश शासन के समय चुनाव हुए थे, लेकिन उस समय वोट देने का अधिकार सबके पास नहीं था। 1951-52 में जब हर किसी के पास मताधिकार था, हर कोई वोट कर सकता था, ऐसे में अब पॉलिटिकल पार्टीज के सामने ये समस्या थी कि वो अपना चुनाव प्रचार कैसे करें। कुछ नेताओं, खास तौर पर नेहरू जैसे दिग्गजों ने बड़ी बड़ी रैलियां की, जबकि बाकी के नेता घर घर जाकर वोट मांगने के लिए सड़कों पर उतर आए। कोलकाता में सड़कों पर बेहद मज़ेदार नज़ारा देखने को मिला। सड़कों पर घूमने वाली कुछ गायों पर बांग्ला भाषा में कांग्रेस को वोट दो, ऐसा लिख दिया गया। इससे लोगों में बड़ी दिलचस्पी जाग गई। पहली लोकसभा का चुनाव 4 महीनों में 68 चरणों में हुआ था। जी हाँ, 68 चरणों में, इस बार 7 चरणों में हो रहा है। लोकसभा चुनाव में वोट डालने वाले पहले भारतीय हिमाचल प्रदेश के चीनी तहसील, जो अब किन्नौर ज़िले में है, वहाँ के रहने वाले बौद्ध साधु थे। जाड़ों में होने वाली बर्फबारी से बचने के लिए 25 अक्टूबर 1951 को यहाँ चुनाव कराया गया था। बाकी के भारत ने 3,80,000 रीम कागज़ों पर छपी मतदाता सूची के आधार पर अगले साल यानी जनवरी और फरवरी 1952 में वोट दिया। पहले लोकसभा चुनाव में हर मतदाता पर 60 पैसे का खर्च आता था और 2019 के लोकसभा चुनाव में वो करीबन 72 रुपये का खर्च हुआ था, ऐसा अनुमान लगाया गया। मतपत्रों पर डाले गए वोटों को जमा करने के लिए लगभग 20 लाख बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया गया था। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मत पेटियों को बुलेट प्रूफ बनाया गया था। उन बक्सों को बनाने में करीबन 8,200 टन स्टील का उपयोग किया गया था। चुनाव में इस्तेमाल के लिए देश के वैज्ञानिकों ने ऐसा इंक तैयार किया जिसके दाग छुड़ाए नहीं जा सकते थे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये तय किया जा सके कि कोई वोटर दोबारा वोट न डाल सके। इस चुनाव में 489 सीटों के लिए मतदान हुआ और इसमें कांग्रेस 364 सीटें जीत गई थी।
पहले लोकसभा चुनाव में हारने वालों में सबसे बड़ा नाम थे डॉक्टर बी आर आम्बेडकर। उन्होंने उत्तर मध्य बॉम्बे की आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा था और संयोग से आम्बेडकर 1954 में भंडारा सीट से लोकसभा चुनाव उपचुनाव भी हार गए, जो बाईपोल हुआ था, लेकिन उस समय तक वो राज्यसभा के सदस्य बन चुके थे। इलेक्शन की कहानियाँ इस सीरीज में ऐसे ही चुनाव से जुड़ी दिलचस्प जानकारियाँ और किस्से हम आप तक सुनाएंगे। नमस्कार।